नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी में कोरोना की रोकथाम के लिए 6 जिलों में 12 अधिकारी तैनात। यूपी के बागपत के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। सरकार टुकड़ों में कब बिखरेगी ये इंतजार, पायलट पर बीजेपी नेता का बयान। उत्तराखंड में बह गए घर, गिर रहे पहाड़, 5 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट। राहुल से मिलने के बाद पायलट ने कहा कि पार्टी पद दे सकती है और ले भी सकती है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़नी पड़ी प्रेस ब्रीफिंग। पुडुचेरी के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव, सीएम बोले संपर्क में आए लोग करवाए टेस्ट। जम्मू कश्मीर में पुलिस सेना के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, 1 एके और 2 पिस्टल बरामद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि साल के अंत तक हमारे पास कोरोना की वैक्सीन होगी। मनीष प्रभात होंगे उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत। लेबनान के राष्ट्रपति ने सरकार का इस्तीफा किया मंजूर। लखनऊ में वेतन में कटौती का विरोध, आज से हड़ताल पर रहेंगे एम्बुलेंस के कर्मचारी। दिल्ली से बिजनेसमैन से लूटपाट के मामले में 3 कांस्टेबल समेत 8 गिरफ्तार। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ को बम से उड़ाने की धमकी, कोटा से एक युवक गिरफ्तार। ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक कर्ट लुईडके का 80 वर्ष की उम्र में निधन। रिया को सपोर्ट करते हुए स्वरा भास्कर बोली, गुनाह कानून को तय करने दीजिए। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, 58 की मौत। नाइजर में हमला, बंदूकधारियों ने 6 फ्रांसीसी नागरिकों और 8 को गोलियों से भुना। श्रीलंका में कड़े नियमों के साथ 20 अगस्त से शुरू होगा संसद का सत्र। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का अमेरिका में विरोध, कई समुदाय के लोग हुए शामिल। वेंटिलेटर सपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सैन्य अस्पताल में हुई ब्रेन सर्जरी। ज्योति बाला खुदकुशी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए आरोपी, अब 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नवाब मलिक बोले, भाजपा में शामिल हो गए एनसीपी के 12 विधायक, महज अफवाह। कनिमोजी के बाद चिदंबरम ने सुनाई आप बीती, कहा हिंदी की वजह से कई बार झेली जलालत।